समग्र शिक्षा सिद्धिपीठ तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल बगीचा 3 का दूसरा पाठ राजा बदल गया पृष्ठ संख्या 6 से लेकर 11 तक। पाठ 2 राजा बदल गया पृष्ठ संख्या 7। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह जंगल से जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर। जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। अब ना तो इसे रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ, क्या करूं इसका। यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ता चला जा रहा था। रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। उसने सोचा, क्यों ना यह सिक्का साधु को ही दे दूं। राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे राजा सूरसिंह हैं, जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे पृष्ठ संख्या 8 उसे लूटने जा रहे हैं। उसने जवाब दिया। राजेश राजा के पास गया, सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा। महाराज एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। राजेश करुण स्वर में बोला, मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ? राजा क्रोध में बोला, महाराज यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते? राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया।